डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम पेरिप्लेनेटा के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। पेरिप्लेनेटा का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो मेनली ये यूरिकोटेलिक एनिमल्स होते हैं। यूरिक एसिड के रूप में अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को एक्सक्रीशन की क्रिया के द्वारा बाहर निकालते हैं। इसमें जो एक्सक्रीटरी संरचनाएं प्रमुख रूप से पेरिप्लेनेटा के अंदर जो पाई जाती है वो मेलपिगिन ट्यूबल्स, फैट बॉडीज, यूरिकोज ग्लैंड, क्यूटिकल, नेफ्रोसाइट, इन सभी के द्वारा जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं उनको जो है बाहर निकाला जाता है। हम सबसे पहले बात करते हैं मेलपिगिन ट्यूबल्स की। इससे पहले हम इसका डायग्राम जो देख लें कि जो डायग्राम में आप देख रहे हैं ये इसका पेरिप्लेनेटा का डायग्राम है, जिसमें मेलपिगिन ट्यूबल्स का जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ रिलेशनशिप है वो बताया गया है। चूँकि हम देखते हैं कि जो मेलपिगिन नलिकाएं जो होती है वो मिड गट और जो हाइंड गट होती है, यानी कि मध्य आहरनाल, मध्यांत्र और पश्चांत्र जो का जो भाग होता है वहाँ पे ये मेलपिगिन ट्यूबल्स पाई जाती है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये मिड गट और हाइंड गट वाला पोर्शन है इसके अंदर, और यहाँ पे ये जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर मेलपिगिन ट्यूबुल्स जो है गुच्छों के रूप में पाई जाती है। लगभग 60 से 150 की संख्या में ये मेलपिगिन ट्यूबुल होती हैं। ये असाकित नलिकाएँ होती हैं और इनका एक सिरा बंद होता है, लेकिन जो दूसरा सिरा होता है डिस्टल एंड वो एलिमेंट्री कैनाल्स में जाकर खुला रहता है। इनमें इनकी जो लंबाई होती है, प्रत्येक नलिका की जो लंबाई होती है 20 से 26 एमएम की लंबाई होती है, और इनके अंदर जो ग्लैंडुलर एपिथीलियम और जो ग्रंथिल जो उपकला कोशिकाएं की जो है इनके अंदर सिंगल लेयर पाई जाती है, और इसके अतिरिक्त भी इनमें मस्कुलर जो फाइबर्स हैं उस और कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो उसका आंतरिक खोल भी इसके अंदर पाया जाता है। अंदर इनकी जो भीतरी सिरा होता है उस पर छोटे माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जिन पर ब्रश बोर्डर के समान जो है संरचना दिखाई देती है, जैसा कि आप ये संरचना देख पा रहे हैं जो इसका टीएस है मेलपिगिन ट्यूबुल्स का, जिसमें बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रही है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके अतिरिक्त इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, पेरिटोनियल सीथ और अंदर की तरफ जो है ग्लैंडुलर एपिथीलियम सेल्स पाई जाती है, न्यूक्लियस है, और इसके अंदर जो ब्रश बॉर्डर जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्राइटेड बॉर्डर इसके अंदर पाया जाता है जो कि ब्रश के समान होता है, और इसमें जो है सीलिया के जैसी संरचनाएं इसके अंदर पाई जाती है। जो मसल्स होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन और जो शिथिलन की जो क्रिया है उसमें उसके द्वारा इसमें एक तरंग गति उत्पन्न होती है जिससे कि भोजन को जो है आगे की तरफ जो है पास किया जाता है। तो ये जो मेलपिगिन ट्यूबुल्स है उसका डायग्राम है। अब हम बात करते हैं इसकी मेलपिगिन ट्यूबुल्स की, कि जैसा मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया कि जो मिडगट और हाइंड गट का जंक्शन है वहाँ पे लार्ज नंबर में यानी कि 60 to 150 नंबर के रूप में मेलपिगिन ट्यूबुल्स पाई जाती है। ये फिलामेंटस होती है, धागेनुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, येलो कलर की होती है, और ये जो है इससे मिड गट और हाइंड गट का जो जॉइंट जहाँ पे होता है उससे लगी हुई पाई जाती है, जिसको हम मेलपिगिन ट्यूबुल्स कहते हैं। ये सिक्स ग्रुप के अंदर लटकी हुई रहती है फ्री हीमोसील के अंदर, क्योंकि इनका जो आगे का सिरा होता है ब्लाइंड एंड होता है वो जो है हीमोसील के अंदर ही जो है लटका हुआ रहता है। इनके ओरिजिन की हम बात करते हैं तो इनका एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, जैसे कि और एनलिडियंस का नेफ्रिडिया इनका जिनका ओरिजिन होता है सेम लाइक जो है इसके अंदर जो मेलपिगिन ट्यूबुल्स है उनकी उद्भव जो है एक्टोडर्म के द्वारा ही होता है। मेलपिगिन ट्यूबुल्स सिंगल लेयर होती है, ग्लैंडुलर सीलेटेड सेल्स इसके अंदर पाई जाती है, और इनके अंदर जो ब्रश बॉर्डर है जिनके अंदर सीलिया जैसा मैंने अभी आपको डायग्राम के अंदर बताया वो ब्रश बॉर्डर जैसी संरचना इसके अंदर पाई जाती है। मेलपिगिन ट्यूबुल्स नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थों को जो है हीमोलिम्फ में से एकत्रित करके इसको जो है बाहर निकालती है। ये ऑस्मोरेगुलेशन का भी कार्य करती है।
ये डायग्राम जैसा मैंने अभी आपको बताया था मेलपिगिन ट्यूबुल्स का। नेक्स्ट है इसके अंदर की जो इसकी फिजियोलॉजी भी एक्सक्रीशन, जो मेलपिगिन ट्यूबुल्स की उत्सर्जी क्रियाओं के बारे में हम बात करते हैं, तो सबसे पहले इसकी उत्सर्जी क्रियाओं को विगल्सवर्थ ने ये नोटिस किया कि इसके अंदर कुछ जो मेलपिगिन ट्यूबुल है उसमें एक तो दूरस्थ सिरा होता है, एक समीपस्थ सिरा होता है। तो जो डिजिटल ब्लाइंड एंड होता है वो सिक्रेटरी होता है और फ्रीली वो हिमोसील के अंदर लटका हुआ रहता है। उसका नेचर जो होता है वो स्रावी प्रकार का होता है, सिक्रेटरी नेचर होता है डिजिटल एंड का। और जो प्रोक्सोमल एंड होता है उसका अवशोषी प्रकार का या एब्जॉर्प्टिव नेचर का होता है, वो एलिमेंट्री कैनाल में खुला होता है। इसके अंदर जो इनर सेल की जो लाइनिंग होती है डिजिटल रीजन के अंदर वो वेल डेवलप्ड होती है, ब्रश बॉर्डर इसके अंदर पाया जाता है, लेकिन जो प्रोक्सोमल रीजन है उसमें ये लेस डिफ्रेंशिएटेड होती है और इनके अंदर हनीकॉम बॉर्डर पाया जाता है जो कि जो प्रोक्सोमल एंड होता है उसके अंदर। इंसेक्ट में नाइट्रोजन वेस्ट होता है, उसके रूप में ये अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम यूरेट के रूप में। ये जो है अपने नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थों को जो है निकालते हैं पोटेशियम यूरेट के रूप में और वो हिमोलिम्फ के अंदर जो है छोड़ दिए जाते हैं। वहाँ पे जो वाटर और जो ये ग्लैंडुलर सेल्स हैं उनके द्वारा ये मेलपिगिन ट्यूबुल्स के द्वारा उनको डिजिटल एंड में एकत्रित कर लिया जाता है। उसके बाद में इन जो कोशिकाएं होती है उसमें पोटेशियम यूरेट वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। पोटेशियम बाइकार्बोनेट और जो एमिनो अम्ल और जो जल होते हैं वो हिमोलिम्फ में जब ये मुक्त होते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल में इनको मुक्त कर दिया जाता है। और यहाँ पर से जो अवशोषी नेचर में जैसे वाटर है और जो अन्य अवशोषी पदार्थ होते हैं उनको फिर प्रोक्सोमल एंड के द्वारा वापस जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो लास्ट में जो बचा हुआ रहता है यूरिक एसिड उसको डिजोल कंडीशन में जो है प्रोक्सिमल रीजन के अंदर फिर लाया जाता है और मेलपिगिन ट्यूबुल में वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है और उसके बाद में उसको हिमोलिम्फ में छोड़ दिया जाता है। तो जो यूरिक एसिड होता है उसी को जो है उसी का जो है उत्सर्जन इसके अंदर किया जाता है। यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि जो पोटेशियम यूरेट वाटर कुछ लवण एमिनो एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब मिलकर जल के साथ रिएक्शन करते हैं और उसमें जब ये क्रियाएं होती है तो यूरिक एसिड जल पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में बदलकर ये उसको जो ट्यूबुल्स होती है उनमें इसको डाल देते हैं। ये रीअब्जॉर्प्शन की जो क्रिया है वो इसको डायग्राम के द्वारा आपको दिखा रखी है कि ये जो डायग्राम है वो मेलपिगिन ट्यूबुल्स का है जहाँ पे ये वाला जो इसका सिरा है ये आप जो देख रहे हैं ये इसका मिडगट और हाइंडगट वाला जॉइंट वाला रीजन है और ये इसका वो रीजन है जो कि इसका डिस्टल एंड होता है और जो हीमोलिम्फ है या जो देगवा के अंदर खुला हुआ रहता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो यूरिक एसिड है यूए का मतलब यूरिक एसिड वाटर यूरिक एसिड ये जो है इसमें मिडगट के अंदर लाए जाते हैं और यहाँ पे जो इसका डिस्टल एंड है ये वाला जहाँ पे जो पोटेशियम यूरेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट H2O यूरिक एसिड ये इसके अंदर पोटेशियम यूरेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया के द्वारा पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनता है जल बनता है और यूरिक एसिड बनता है। तो इनको डिस्टल एंड से वापस जो है गट के अंदर लाया जाता है यहाँ पर और यहाँ पर इस गट के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो यूरिक एसिड जो बचता है उसको फिर जो है गट के अंदर डाल दिया जाता है हार नाल में डाल दिया जाता है और जो मेलपिगिन ट्यूबुल्स की जो क्रमांकुचन गति होती है उसके द्वारा फिर इसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसके साथ ही चूँकि मेलपिगिन ट्यूबुल्स एक्सक्रेटरी नेचर की है लेकिन ये साथ में जो है ऑस्मोरेगुलेशन का भी कार्य करती है जिससे जो वाटर का अमाउंट है
वो उसका कंजर्वेशन होता है, उसका ये संरक्षण कर लेती है, जो कि इंसेक्ट को जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें पानी की कम आवश्यकता महसूस होती है। दूसरा, इसके जो एक्सक्रेटरी संरचनाएं जो इसके अंदर पाई जाती है, ये तो हमने मेलपिगन ट्यूबुल्स की बात कर रही थी। दूसरी जो संरचनाएं होती है वो फैट बॉडी इसके अंदर पाई जाती है। फैट बॉडी हिमोलिम्फ के अंदर जो है सफ़ेद रंग की संरचनाएं या पालयुक्त संरचनाएं होती है, जिसको हम फैट बॉडीज कहते हैं। और इसके अंदर ये जो फैट बॉडीज होती है उनमें यूरेट सेल्स भी पाई जाती है। यूरेट सेल एक विशेष प्रकार की उत्सर्जी कोशिकाएँ हैं जो कि होल लाइफ जो है यूरिक एसिड का उत्पादन करती है और संग्रह भी करती है। तो ये स्टोरेज का भी कार्य करती है और एक्सक्रीशन का भी कार्य फैट बॉडीज के द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट जो संरचना है इसके अंदर एक्सक्रीशन में जो सहयोग करती है वो नेफ्रोसाइट है। नेफ्रोसाइट में जो संरचना इसके अंदर होती है, ये हृदय की भित्ति के साथ में चिपकी हुई नेफ्रोसाइट बहुत सारी कोशिकाएँ होती है जो कि उत्सर्जन का कार्य करती है। इसमें भी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको भी हीमोलिम्फ में जो है उत्सर्जित पदार्थों को पृथक किया जाता है। नेक्स्ट जो संरचनाएं हैं इसमें क्यूटिकल है। क्यूटिकल जो सिक्रेशन है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को डिपॉजिट करती है अपने अंदर, और जब मोल्टिंग की क्रिया होती है यानी कि निर्मोचन की क्रिया होती है तो जो इस क्यूटिकल के द्वारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट को एकत्रित किया गया था उसको भी निर्मोचन की क्रिया के साथ साथ इसको भी जो है क्यूटिकल के साथ साथ बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर यूरिकोज ग्लैंड जो होती है वो मशरूम ग्लैंड से एसोसिएटेड होती है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इसमें, तो ये जो मशरूम ग्लैंड जो होती है नर कॉकरोच के अंदर इनके अंदर पाई जाती है, वहीं पे यूरिकस ग्लैंड भी पाई जाती है जिनको हम यूट्रिकुली मेजोरस भी कहते हैं। ये नलिकाएं जो होती है वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको यूरिक एसिड के रूप में संचय करती है और फिर इनका यूरिकोज ग्रंथि में संचित करने के बाद में यूरिक एसिड के रूप में इनको जो है विसर्जित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो कॉपुलेशन के समय में जो स्पर्मेटोफोर का सिक्रेशन जो किया जाता है उसी के ऊपर जो यूट्रिकुलस मेजरस भी पाया जाता है, तो ये स्पर्मेटोफोर जब कॉपुलेशन की क्रिया होती है तो स्पर्मेटोफोर का सिक्रेशन किया जाता है और स्पर्मेटोफोर पर ही यूरिकोस जो ग्लैंड्स हैं वो यूरिक एसिड को जो है संचित करती है और उसके बाद में ये यूरिक एसिड को जो है बाहर निकालने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से जो कॉकरोच के अंदर या पेरिप्लेनेटा के अंदर जो प्रमुख रूप से उत्सर्जी संरचनाएं हैं वो मेलपिगियन ट्यूबुल्स, फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट, क्यूटिकल और यूरिकोज ग्लैंड, ये प्रमुख रूप से पाई जाती है जिनके द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। थैंक यू।